मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको पाठ चार संज्ञा नाम वाले शब्द पाठ को पढ़ाएंगे और बताएंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबके अपने अपने नाम होते हैं, जैसे दादाजी टीवी, रसोई घर अखबार, बच्चा माँ, पिताजी हंसी। तो व्यक्तियों का नाम क्या हुआ? अमर, माधुरी, बच्चा। वस्तुओं का नाम क्या हुआ? टीवी, अखबार, लोटा। स्थानों का नाम क्या? रसोई घर, बाग, दिल्ली। मन के भाव का खुशी, सुख, सुंदरता। आगे देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के वैसे पांच भेद होते हैं, लेकिन अभी आपको तीन ही भेद बताए जाएंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा, और पांचवा चौथा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से पांच होते, पर आपको अभी तीन ही बताए जाएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशेष विशेष नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। किसी महापुरुष का नाम बताएं? महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि। जिन शब्दों से, अब देखिए दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही जात का लोगों का, एक ही जात के लोगों के वस्तुओं, स्थानों का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी हम माधुरी कहते हैं तो एक लड़की हुई, माधुरी कहते हैं तो एक लड़की हुई। अगर हम कहेंगे कि लड़कियां, तो ये क्या हो जाएगा? सभी लड़की आ जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का कहेंगे, एक लड़के को लड़का कहेंगे, जैसे राम, मोहन। अगर हम कहेंगे लड़के, तो सारे लड़के हो जाएंगे। किसी गांव का नाम लेते हैं, जैसे बरवारीपुर, तो क्या हो जाता है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगर हम कहते हैं गांव, सभी गांवों में, गांव क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम कहते हैं सेंट जेम्स स्कूल, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम कहते हैं सभी स्कूलों में, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आया समझ में सबको? तीसरा देखेंगे भाववाचक संज्ञा। हमारा भाव कैसा है? हम खुश है, दुखी है, हम कैसे हैं? हमारे मन में खुशी, उदासी है, कोई लालची होता है, जैसे जिसके आपके भाव होते हैं वैसे वैसे वही बताया गया है। भाववाचक संज्ञा, हम बीमारी अवस्था में हैं, हम स्वस्थ हैं, लालची, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, कल हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे।